हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज मुझे जो अपडेट मिली है वो मिली है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है फिलहाल के लिए। अभी जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, कैसे होगा और क्या किया गया, क्या डिसीज़न है, इन सभी बातों पर मैं बताऊँगा आप लोगों को वीडियो में। और दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि मैं ये वीडियो आप लोगों को 24 तारीख का जो डिसीज़न आएगा वो उसके साथ ही साथ आप लोग को 25 को डिसीज़न से साथ साथ मिल जाएगा। तो जो 24 तारीख को डिसीजन आया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं आप लोगों को पूरे प्रूफ के साथ न्यूज़ में दिखाने जा रहा हूँ और पूरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है और क्या हुआ है अभी तक का। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को और समझते हैं कि क्या डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का बेस्ट एग्ज़ाम के साथ। तो देखिए दोस्तों, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम पर रोक, पिछले सेमेस्टर के आधार पर रिजल्ट देने पर करे विचार, हाई कोर्ट ने अपना अपील कर दिया है। हाई कोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है आप लोग देख सकते हैं 24 जुलाई 15:38 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन तो सुना दिया है पर अभी भी इसके बारे में और भी फैसला होने के कारण बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि अभी एग्ज़ाम नहीं होने का चांसेस है। फाइनल ईयर एग्ज़ाम के खिलाफ याचिका दायर करने वाले छात्रों को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम कराने के आदेश पर 13 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तरह बिना एग्ज़ाम कराए ही पिछले सत्र के अनुसार प्रदर्शन के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार करने के विकल्प पर विचार किया जाए। जनित मेहता की ओर से दाखिल इस याचिका में पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है और जवाब देने के लिए समय की मांग की है। 23 जुलाई को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी से कहा कि फाइनल ईयर रिजल्ट तैयार करने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। पिछले सत्र के प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट देने की संभावनाओं के बारे में पूछा गया। हाई कोर्ट के ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में एग्जाम कैंसिल कर रिजल्ट के जो फार्मूला अपनाए गए हैं उन्हें लागू करने पर विचार किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से देश के कुछ विश्वविद्यालयों की ओर बिना एग्जाम रिजल्ट तैयार करने के जो संबंधित नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया गया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने कुछ अन्य आदेशों को भी कोर्ट के सामने रखा गया है। इस सुनवाई में पंजाब यूनिवर्सिटी को अपना पक्ष रखना था लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से समय मांग की गई है। अब इस मामले की यूनिवर्सिटी को बिना एग्जाम के रिजल्ट तैयार करने के विकल्पों पर भी अपना पक्ष रखना होगा। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी का इस मामले पर क्या रुख रहेगा। उधर हाई कोर्ट के इस आदेश से छात्रों के हित में एक बड़ी राहत की सांस आई है। ये तय की जा रही है कि UGC के जो गाइडलाइन थे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर के, उस मामले में अब जो भी तय होगा वह न्यायालय से ही होगा। फाइनल एग्जाम का मामला अब पूरी तरह से कानूनी हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के अलावा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। तो दोस्तों, अगले न्यूज़ में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई। लॉ स्टूडेंट यश दुबे और 31 छात्रों के ग्रुप समेत 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सभी मामलों को क्लब कर दिया है। UGC गाइडलाइन के खिलाफ ये सभी याचिकाएं फाइनल एग्जाम के बिना रिजल्ट तैयार करने के लिए पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन, असेसमेंट या अन्य किसी वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रही है ताकि छात्रों को महामारी के संक्रमण से बचाया जा सके। वहीं अगर बात करें दोस्तों दूसरे चैनल का, तो NDTV इंडिया ने क्या बताया है, देखिए। UGC के फाइनल ईयर एग्जाम कराने के फैसले के खिलाफ छात्र सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। क्या कैंसिल होगी परीक्षाएं? आइए देखते हैं इस चैनल में क्या, इस न्यूज में क्या बताया जा रहा है। तो 31 छात्रों के ग्रुप ने किया था एप्लीकेशन और वो क्या हुआ, हाई कोर्ट ने अपना क्या फैसला सुनाया, तो देखिए। नई दिल्ली फाइनल ईयर एग्जाम कैंसिल कराने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। छात्र UGC के एग्जाम रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। MHRD से भी एग्जाम रद्द कराने की मांग की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट लगातार फाइनल ईयर की परीक्षाओं का विरोध करते जा रहे हैं लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल 31 छात्रों के ग्रुप ने विश्वविद्यालय अनुदान UGC के सितंबर के फाइनल ईयर के एग्जाम को जो आयोजित करने का व्यवस्था लिया गया है उसके खिलाफ एक याचिका दायर की थी और इस मामले में सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
बता दें दोस्तों कि देश भर के छात्र समेत कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और मेघालय के छात्रों ने 6 जुलाई को जारी की गई UGC के रद्द करने की मांग की, जिसमें आयोजन के विश्वविद्यालय में 30 सितंबर के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का अनिवार्य रूप से आयोजित करने के लिए कहा गया था। गाइडलाइंस में कहा गया था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के जो एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों तरह से तरीके से आयोजित किए जा सकते हैं। लेकिन UGC की जो संशोधित गाइडलाइन में ये भी बताया गया कि अगर कोई ब्लॉक लॉग वाले छात्र हैं तो उनकी परीक्षा अनिवार्य रूप से देनी ही होंगी। वहीं हाल ही में UGC ने बताया कि 603 विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा पहले ही आयोजित कर चुके हैं या फिर आयोजित करने के लिए योजना बना रही। UGC ने कहा कि 209 विश्वविद्यालयों ने अब तक परीक्षा आयोजित करा ली है और 394 अगस्त तक या सितंबर तक परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था ले रही है। नेता भी कर रहे हैं एग्जाम रद्द करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ देखा जा रहा है क्या कि जो बड़े बड़े नेता हैं वे भी ऐसा कर रहे हैं। क्या गया क्या कि छात्रों से लेकर नेताओं तक UGC के फैसले का विरोध कर रहे हैं। UGC के गाइडलाइन के आने के बाद लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। छात्रों से लेकर के नेता तक UGC के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर एग्जाम रद्द कराने की मांग कर चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी एग्जाम का विरोध किया। उन्होंने भी ट्वीट करके ये बात बोला कि एग्जाम रद्द कराना ही उचित है, क्योंकि बच्चों का जो करियर है, जो भविष्य है, वो तो साथ ही साथ उनका हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से सभी लोग क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम को कैंसिल कराना ही उचित होगा, पर UGC अभी भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए आगे क्या कहते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर एग्जाम कराने के फैसले को चुनौती दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि कोरोना एक राष्ट्रीय आपदा है, इसे देखते हुए UGC को फाइनल ईयर के एग्जाम स्थगित कर देने चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से कहा जा रहा है कि जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख की सुनवाई पर रोक लगा दी है कि अभी तक कुछ नहीं डिसीजन ले सकते हैं। जो भी डिसीजन होगा वो अब 27 तारीख को लिया जाएगा, क्योंकि ये जो 31 छात्रों के ग्रुप ने जो विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के खिलाफ जो फाइल दायर किया था पिटीशन, उसके खिलाफ जो फैसला होगा वो 27 जुलाई को ही होगा। सो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों का जो फाइनल ईयर का एग्जाम है वो ना हो, क्योंकि देखिए दोस्तों हेल्थ पहले आता है। अगर जीवन है तो जहान है, अगर जान नहीं तो जहान भी नहीं। तो दोस्तों पहले सरकार को सोचनी चाहिए कि आप लोगों का जो हेल्थ है उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, स्वास्थ्य प्रथम होना चाहिए। अगर एग्जाम नहीं होता है तो आप लोगों का उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आप लोगों को पास किया जा सकता है जिस तरह से 11-12 को किया जा चुका है, उसी तरह आप लोगों को भी पास किया जा सकता है। तो अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी दोस्तों, तो फिर से मैं अपडेट लेकर आप लोगों को सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो और कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के सामने नए अपडेट के साथ प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों दिस इज दिलीप शाह साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।